हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल ट्रिक्स बाय रोहन पे। देखो दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जहां से मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको 200 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोसेस था कि आपको कार्ड झटके आपके बैंक अकाउंट में 120 से 130 या इससे भी ज़्यादा आपका पास आ सकता था आपके लक के ऊपर। मिनिमम आपको 120 रुपीज़ इस मिलेगा ही, समझो 120 रुपीज़ तुरंत आपको मिल रहा था, ऑफर तो अच्छा था। तो अगर आप लोग ने उस ऑफर को नहीं देखा है, उस ऑफर को कंप्लीट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके पहले इस ऑफर को कंप्लीट कर लो। काफ़ी लोग तो समझदार थे, पैसे को निकाल लिए, लेकिन काफ़ी लोग नहीं निकाल पाए, तो सबको लेके चलना होगा ना, तो मैं सबको तो विड्रॉ कराना होगा, इसलिए कारण ये प्रोसेस उसी के ऊपर है। तो देखो सबसे पहले आपको करना है क्या है, देखो आपको मैंने कल के प्रोसेस में आपको बता दिया किस तरह से आपको 120 रुपीज़ को सेल कर देना है, समझो जो बीट BNS कॉइन आपको मिलेगा उसको को सेल करने का जो प्रोसेस है कल ही बता दिया था, लेकिन आपको किस तरह से उस पैसे को बैंक अकाउंट में लेना है ये प्रोसेस आपको मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, तो इस वीडियो में आपको बताने वालों। तो सबसे पहले आप लोग ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सबसे पहले लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल की मिलती है, जहां पर आपको कोई भी ऑफर कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको वहां पर पता चल जाती है। सबसे पहले आपको इस पैसे को जो 120 रुपीस आपका एप्लीकेशन में फंसा हुआ है इसको निकालने के लिए आपको ओपन करना है एप्लीकेशन को। ओपन करते के साथ आप लोग विड्रॉ सेक्शन में जाओगे तो कल भी आपका ये प्रॉब्लम आ रहा था और अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी आपको बोला जा रहा है कि 500 रुपीस आपको चाहिए, 500 रुपीस मिनिमम चाहिए तो भी आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको करना है क्या है, आपका रुपीस वाले सेक्शन में कितना है 119 रुपीस या 120 रुपीस आपका है, अगर कॉइन का वैल्यू बढ़ता है। देखो ये कॉइन का सेक्शन, अभी पता है आपको क्रिप्टो का मार्केट कैसा चल रहा है कि 120 रुपीस है ना, आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है, ये 2-3 महीना बाद आपको 300-400 भी हो सकता है, समझो ये तो बात की बात है। तो आपको करना क्या, इसी पैसों को आपको निकालना है। देखो इसमें आपको एक और बताते रहो, कई लोग मैंने आपको कल बोला था ना इन्वेस्टमेंट वाला, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ोगे तो ये आपको 3-4 गुना भी हो सकता है। कुछ दिन बाद देखोगे कि आपका 120 रुपीस आपका 500 रुपीस हो गया, अगर आप सेल नहीं करोगे ना आपका जो कॉइन रहता है ना, कुछ दिन बाद देखोगे इसी का वैल्यू आपको 500 रुपीस 600 रुपीस हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को उतना सबर नहीं है, इसी को पैसे को निकालना है, तो आपको करना है क्या है कि देख सकते हो वहाँ पर ऐड मनी का एक ऐड मनी का आपको फीचर आ रहा है, सिंपल से ऐड मनी पर क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर UPI ID दिख जाएगा जो इनका एप्लीकेशन का अपना एक UPI ID है। उसके बाद आपको पहला काम करना है कि आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, बैंक अकाउंट का सेक्शन आएगा और यहाँ पर आप लोग एक बैंक अकाउंट को ऐड कर दो, IFSC नंबर और IFSC कोड और अपने अकाउंट नंबर को डाल के, क्योंकि आपको जिस अकाउंट में पैसा चाहिए होगा उसी अकाउंट को डालना। और एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ कि आपका जो आप जिस अकाउंट से अभी ऐड मनी करोगे 400 रुपीज़ की, आपको 119 रुपीज़ निकालने के लिए आप जो रुपीज़ की ऐड मनी करोगे एक्स्ट्रा, वो सेम बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब ऐड मनी बैंक अकाउंट और विड्रॉल बैंक अकाउंट सेम होने चाहिए तो भी आपका काम करेगा ऐड मनी, ये एक टर्म कंडीशन है। सिंपल सा अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया, उसके बाद आपको जाना है ऐड मनी वाला सेक्शन में, आपको UPI दिख रहा है ना, तो आपको फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे कहीं पर भी जाना है, उनके UPI ID को आपको पेस्ट कर देना है उनके सेक्शन में और आप लोग 400 रुपीस का यहाँ पर पेमेंट कर दो। जैसे आपका वहाँ पर पेमेंट डन हो जाएगा, आप लोग को एक देखते हो रेफरेंस नंबर UTR कोड इस टाइप का आपको मिलता है, तो रेफरेंस नंबर जो है उसको कॉपी कर लो, अगर कॉपी नहीं हो रहा तो कहीं पर लिख लो। जैसे आपका वो वाला हो जाएगा उसके बाद अपना एप्लीकेशन में आना, ऐड मनी वाला सेक्शन में जहाँ पर आपको UPI ऑप्शन दिखता था ना, उसके नीचे में आपको होगा कि आई हैव ऐड मनी, इस टाइप से आपको शो करता होगा, सिंपल से उस पर क्लिक करो। कैसे क्लिक करोगे, आपको बोला जाएगा कि आपने जो पेमेंट किया है उसका रेफरेंस ID दे दो। एक चीज़ याद रखना कि बैंक अकाउंट सेम होना चाहिए बार बार, तो सिंपल से जो रेफरेंस ID आपने पेमेंट किया है उस रेफरेंस ID को डाल दो। जैसे डाल दोगे ऐड मनी सक्सेसफुल हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा अकबकाना मत, ये मैक्सिमम 10 मिनट इस टाइप से आपको लेगा, एप्लीकेशन को क्लोज कर देना, 10-15 मिनट बाद ओपन करोगे तो जो आप रुपीस वाले सेक्शन में जाओगे पोर्टफोलियो जो सेक्शन है वहां पर आपका जो 119 रुपीस था ये 120 रुपीस था, 400 रुपीस ऐड मनी करने के बाद वो आपका पैसा 520 रुपीस हो जाएगा, समझो 400 रुपीस ऐड मनी किया 120 रुपीस 520 रुपीस, इसमें 400 रुपीस में आपको कुछ भी 1 रुपीस भी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, वो 400 का 400 आपका विड्रॉ हो जाएगा क्योंकि आपने रुपीस के सेक्शन में ऐड किया, तो आपका पास हो गया 520 रुपीस। अब आपको एक विड्रॉल का ऑप्शन में दिखेगा, विड्रॉल का ऑप्शन में क्लिक करोगे, कितना पैसा आपको विड्रॉल करना है वो डाल देना पूरा अमाउंट, कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना, आपको एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, जैसे उस OTP को डाल दोगे आपका पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। देख सकते हो मैंने तुरंत यहाँ पर डाला, 2-3 मिनट के अंदर ये जो पैसा है मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक मैंने डाला था तो वहाँ पर वो क्रेडिट हो गया,
आपका 10-15 मिनट एक घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेट हो सकता है, लेकिन जब विड्रॉल अगर कर लोगे तो पैसा आपका आ जाएगा। देखो दोस्तों ऑफर बहुत शानदार है, एक झटके में आपको 120-130 रुपीज़ की प्रॉफिट हो रही है। नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो 120 रुपीज़ है ना वहीं पर छोड़ दो, आपको 2-3 महीना बाद या 4 महीना बाद आप लोग देखोगे तो वो पैसा 3 गुना से 4 गुना भी हो सकता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कल आपको देखोगे मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, उन्होंने बोला था कि 100 रुपीज़ का आज पहले मतलब पिछला दिसंबर में उसने 100 रुपीज़ उसमें ऐड मनी किया था या फिर जो भी कैशबैक मिला होगा उसको, अभी उसका वैल्यू है 1500 रुपीज़। उसने चेक किया तो उनको 100 रुपीज़ की जो वैल्यू है, आप देख सकते हो दिसंबर हुआ ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, समझो 6th मंथ में वो जो पैसा है उसका 1500 रुपीज़ हो गया। तो ये चीज़ होते रहती है, ऊपर नीचे से जाती रहती है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, इस टाइप से आपको पैसा निकाल सकते हो। तो होप्स आप लोग वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो अपने तरफ से कर देना लाइक, नए देख रहे हो चैनल तो कर देना सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल पर